अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अमीर हसन और मैं आपको आज CSS का छठा लेक्चर देने जा रहा हूँ। आज मैं आपको CSS में पिक्चर लगाना सिखाऊंगा। आज मैं नोटपैड ओपन करता हूँ और बेसिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। HTML का टैग ओपन किया और नीचे आके HTML का टैग क्लोज कर देना। इधर हेड का टैग ओपन करना, इधर हेड का टैग क्लोज कर देना, नीचे बॉडी का टैग ओपन करना, इधर आके बॉडी का टैग क्लोज कर देना और कंट्रोल एस करके फाइल को सेव करता हूँ मैं डेस्कटॉप पे और इसका नाम रखता हूँ, इसका web.html और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ऑल फाइल पे और सेव कर देता हूँ और इसे ओपन करता हूँ। और अब मैं एक इधर डिव बनाता हूँ, इसके अंदर लगाता हूँ डिव का टैग ओपन किया और इधर आके डिव का टैग क्लोज कर देना और इधर आके मैं इंटरनली CSS यूज कर लेता। तो इधर आके मैं स्टाइल का टैग लगाता हूँ और इधर स्टाइल का टैग क्लोज कर देता हूँ। और इधर आके मैं डिव को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इधर आके मैंने डिव को सिलेक्ट कर दिया और इधर ब्रैकेट ओपन कर दी कर ली और इधर ब्रैकेट बंद कर दी और इसके अंदर मैं लगाता हूँ आज पहले बॉर्डर बनाता हूँ। तो इधर मैं लिखता हूँ BORDER बॉर्डर 1 pixel सॉलिड हो सॉलिड और रेड और कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो ये बॉर्डर आ गया। इसकी हाइट विड्थ को कंट्रोल करते हैं तो इधर लिखते हैं विड्थ 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 में रख लेता हूँ 500 pixels और नीचे आके इसकी हाइट रख लेता हूँ, हाइट रख लेता हूँ 500 pixels और कंट्रोल एस करता हूँ और ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो आपके सामने 500x500 का डब्बा बन गया है पिक्चर का। तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसे मैं 300 कर लेता हूँ और इधर मैं 300 कर लेता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ और रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो आपके सामने 300x300 का डिब्बा बन गया। तो मैं आप इधर इमेज का इमेज की कमांड लगाता हूँ। तो इमेज को कमांड लगाने का तरीका है बैकग्राउंड माइनस इमेज और डबल डॉटेड इधर लगा देना हमने URL और ब्रैकेट ओपन करनी है और इसके अंदर फाइल का नाम और जो होगा वो लिखना है। मैं इधर जाता हूँ डेस्कटॉप पे, मेरे पास कोई पड़ी होगी, ये मेरे पास है जैकेट और इसकी मैं प्रॉपर्टीज देख लेता हूँ कि ये आपके सामने JPG है। इसे मैं कंट्रोल ए कॉपी कर लेता हूँ और इधर जाके मैं ये पेस्ट करके .jpg लिख देता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ और ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देख लो आपके सामने ये तस्वीर आ चुकी है। तो मैं इस तस्वीर को
1400। ठीक है, हमारे पास ये तस्वीर आ चुकी है। अगर हम कहते हैं कि ये तस्वीर ज़्यादा इधर है तो हम थोड़ा सा इधर लेके आना चाहते हैं, तो हम इधर ये लगाएंगे कमांड बैकग्राउंड माइनस साइज, या हम पहले इसको ये कर देते हैं कि हम तस्वीर को सर्कल में लेके आना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हम इधर लगाएंगे बॉर्डर बॉर्डर डबल डॉटेड बॉर्डर माइनस साइज लिखेंगे, बॉर्डर माइनस साइज, और इसे रख देते हैं 10 पिक्सल, और ये लास्ट साइज और अगला भी 10 पिक्सल। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करते हैं, तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम इसे ज़्यादा करते हैं। कंट्रोल एस करते हैं ब्राउज़र में जाके, तो इसे नहीं पड़ा ये, इसको कवर लगा देते हैं। हम इधर इसको कवर लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं बॉर्डर माइनस साइज, बॉर्डर माइनस साइज, इधर लगा देते हैं हम कवर, और कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करते हैं। अगर हम इमेज को गोल करना चाहते हैं तो हम इसको सर्कल में लेके आना चाहेंगे, तो हम इसको लगाएंगे बॉर्डर बॉर्डर माइनस रेडियस, अरे डी यू आई आई यू एस रेडियस डबल डॉट, और हम इसको 15, मैं इसे काट देता हूँ 20%, सर 20%, और कंट्रोल एस करता हूँ, ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो आपके सामने इसके कोने गोल हो चुके हैं। अगर हम ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम इसको इधर 50 लगा देंगे ज़्यादा करना चाहते हैं, और कंट्रोल एस करते हैं ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो आपके सामने ये गोलाई में तस्वीर आ चुकी है। आप ये देख रहे हो कि ये सेंटर में नहीं तस्वीर है, तो मैं इसको सेंटर में लेके आता हूँ, तो इसको सेंटर में लेके आने के लिए हम इधर लगाएंगे बैकग्राउंड माइनस पोजीशन, कि इसकी पोजीशन को आगे पीछे कर दे सेंटर में ले आए, तो हम इधर लगाएंगे डबल डॉट, और इधर लगाएंगे 108 पिक्सल लेफ्ट साइड से और ऊपर से ले आए, ऊपर से भी ले आए 100 पिक्सल, और कंट्रोल ऐसे करते हैं और ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करते हैं, तो ये तस्वीर और इधर को चली गई है, तो हम इसको माइनस लगाते हैं, तो इधर हम माइनस लगाते हैं, तो कंट्रोल ऐसे करते हैं और ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करते हैं, और अब ये ज़्यादा ऊपर चली गया है, तो हम इसको नीचे लेके आते हैं, इसको हम 50 कर लेते हैं और कंट्रोल ऐसे करते हैं, तो ये नहीं आ रही, तो हम इसे माइनस कर देते हैं, कंट्रोल ऐसे करते हैं ब्राउज़र में जाके, तो हमें इसको ज़्यादा करना होगा, कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र में जाके तो ये देखो हमने ये कोमे लगाए थे इसलिए ये नहीं था हो रहा है, तो मैं इसे एक सिफर हटा देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो हम थोड़ा सा और इधर लेके आते हैं इसको, ये ज़्यादा चली गई है, तो हम
इसको अस्सी कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा हम नीचे लेके आते हैं इसको, हम इसको 30 कर लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, तो ये हम थोड़ा सा और राइट साइड पे लेके आते हैं इसको, तो हम इसको 50 कर देंगे और कंट्रोल एस करते हैं, और ये देखो और हम थोड़ा सा और इसको नीचे लेके आते हैं, माइनस 10 कर देते हैं और कंट्रोल एस, और ब्राउज़र में जाके हम रिफ्रेश करते हैं, तो हम इसे 0 कर देते हैं ब्राउज़र में जा, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस करते हैं, तो ये देखो आपके सामने एकदम फिट तस्वीर आ रही है, तो हम थोड़ा सा और इधर को लेके जाते हैं, तो हम इसे कर देते हैं 45, कंट्रोल एस करते हैं ब्राउज़र में जाके, ये तो ये देख लो आपके सामने बिल्कुल फिट तस्वीर इसके अंदर आ गई है। अब आपको मिलते हैं अगले लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अल्लाह हाफिज़।